हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल्स दिए हों और हमें चार्ज डेंसिटी या फिर करंट डेंसिटी पूछी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अगर हमें V एंड A इन दोनों में से, ये है हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल और ये है हमारे पास स्केलर पोटेंशियल, अगर ये दोनों दिए हों तो हम चार्ज डेंसिटी या फिर करंट डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ वी और ए देंगे और चार्ज डेंसिटी पूछ लेंगे, करंट डेंसिटी पूछ लेंगे। ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्ली बी बाय कर्ली टी। थर्ड इक्वेशन थी डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाय कर्ली टी। ये हमारी जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड इक्वेशंस थी, ठीक है, चारों की चारों। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहली चीज पोटेंशियल की फॉर्म में फील्ड्स कैसे हो सकते हैं, पहले तो ये सोचना है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पता चला कि, क्योंकि मैं नाम बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब फील्ड हमारी स्टैटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उस केस में जो डेल क्रॉस ई था, डेल क्रॉस ई था वो क्या था हमारे पास, जीरो। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे जीरो था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर ये चीज़ पॉसिबल थी तब हम बोल सकते थे कि हमारा जो ई है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी, ठीक है, वो यहाँ से ये आया, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जीरो होगी तो ये बनेगा, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला था। ऐसे ही हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या बोला था कि अगर डेल डॉट बी जीरो है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर जीरो है तो मैं बी को लिख सकता हूँ डेल क्रॉस ए, ये हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में बोला था। अब ये चीज तो वैलिड है इन इक्वेशन में भी, ये वाली चीज, मतलब यहां पे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसका डेल क्रॉस ए का, लेकिन यहाँ पे ये जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो हम थोड़ा इसे बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। ये याद रखना कि डेल क्रॉस सम वेक्टर को हम बाद में ये लिख सकते थे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली बाय कर्ली टी। बी को लिखा जा सकता है डेल क्रॉस ए, बी को इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि डेल डॉट बी इज जीरो, तो डेल डॉट बी इज जीरो मतलब बी को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। तो ये पॉइंट याद रखना। यहां से इस चीज को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं तो ये बनेगा डेल क्रॉस ई प्लस, इस चीज को लेफ्ट साइड ले आए पूरे को, कर्ली ए बाय कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो। तो इस चीज को देखो, यही चीज बनेगी दोबारा से। अब सोचने वाली बात क्या थी, हमने क्या बोला था डेल क्रॉस ई अगर जीरो है तो मैं ई को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल बी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल क्रॉस ये पूरा फंक्शन है, तो सारे वेक्टर ये पूरा फंक्शन जीरो है, तो मैं लिख क्या सकता हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, मैं लिख सकता हूँ ई प्लस कर्ली ए बाय कर्ली टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल बी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं इस पूरी चीज को माइनस ऑफ डेल वी के बराबर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा था। तो इसी हिसाब से मैं ई को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी माइनस ऑफ कर्ली ए बाय कर्ली टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा तो ये फिर से इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर ए टू बी कांस्टेंट या फिर जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई हमारी दोबारा से माइनस डेल बी बन जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन अब क्या बता रही है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो यहां से आया इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, मैं इस इक्वेशन नाउ इक्वेशन कोई भी रख लो, वन रख लो, लेकिन इसको याद रखना है आपको, माइनस डेल वी आगे यूज करूंगा मैं इसको। उसके बाद
एक तो इक्वेशन ये हो गई ई की पोटेंशियल्स की फॉर्म में, मतलब अगर आपको पोटेंशियल्स दिए हो तो आप फील्ड से निकाल सकते हो इजीली, एक तो ये बात हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ये तो आप लिख ही सकते हो, चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स हो चाहे हमारी ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडाइनमिक्स हो, ठीक है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है। इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन में, तो ये बनेगा डेल क्रॉस बी को लिख सकता हूँ मैं डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाय कर्ली टी, ई की वैल्यू हमें गिवन है तो कर्ली बाय कर्ली टी, ई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो बनेगा माइनस ऑफ डेल वी एंड माइनस ऑफ कर्ली ए बाय कर्ली टी, तो ये बनेगा। यहां से ये इक्वेशन हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, डेल क्रॉस समथिंग सम वेक्टर, तो इसको क्या लिखते थे, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए, ठीक है, माइनस डेल स्केयर ए इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को मैंने, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद म्यू नॉट जे प्लस, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो बनेगा माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, कर्ली बाय कर्ली टी डेल ऑफ वी, ठीक है, और साथ में ये लास्ट इक्वेशन माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्केयर ए बाय कर्ली टी स्केयर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं इस चीज को, तो क्या बनेगा, डेल स्केयर वाली टर्म से एक साथ कर लो, ठीक है, जैसे एक स्केयर है ये स्केयर है, ठीक है, एक साथ कर लो, डेल वाली टर्म एक साथ कर लो, तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये बनेगा, या इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा हमारे पास डेल स्केयर ए, ठीक है, इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ इधर, या कुछ ही कर लो, इसको इधर ले आओ, छोड़ो, इसको इधर ले आते हैं इस इक्वेशन को, तो माइनस ऑफ डेल स्केयर ए, इसको इधर ले आए तो ये बनेगा प्लस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्केयर ए बाय कर्ली टी स्केयर, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे कौन सी टर्म है, प्लस में प्लस डेल ऑफ डेल डॉट ए, ठीक है, और साथ में ये टर्म को लेफ्ट साइड ले आए तो बनेगा प्लस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली बाय कर्ली टी डेल ऑफ वी, ठीक है, ये भी प्लस, ये लेफ्ट साइड में आ गई प्लस, तो इक्वल टू में हमारे पास बचा क्या, म्यू नॉट जे, इक्वल टू में म्यू नॉट जे। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं और वहां पे माइनस लगा रहा हूं तो इक्वेशन बनेगी डेल स्केयर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्केयर ए बाय कर्ली टी स्केयर, इसको एक टर्म बना लिया हमने, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है पूरे में से, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस थे तो यहाँ माइनस बाहर आएगा, डेल दोनों में से कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास डेल डॉट ए प्लस म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, डेल तो बाहर आ गया पूरे का, इसका भी और इसका भी, तो बनेगा कर्ली वी बाय कर्ली टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास माइनस बाहर ले लिया था तो ये बनेगा माइनस ऑफ म्यू नोड, तो ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए कैसे बनती है। अब देखो, अगर हमारे पास करंट डेंसिटी डी हो, अगर हमारे पास करंट डेंसिटी डी हो सॉरी अगर हमारे पास ए और वी स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दिया हो तो हम जे निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, ये यहां से आएगा। तो इक्वेशंस को निकालना आना चाहिए, ये इक्वेशन हमारी पूरी अब थ्योरी में चलेगी, तो इसको मैं सबसे ऊपर लिख लेता हूं, ये इक्वेशन है डेल स्केयर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्केयर ए बाय कर्ली टी स्केयर, ये एक इक्वेशन माइनस ऑफ डेल
डेल डॉट ए प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली बी बाय कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नोट जे। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रही है इक्वेशन। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद यहां से हमें जे निकाल सकते हैं हम इजीली। दूसरी चीज, हमने एक इक्वेशन लिखी थी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, हमें ये पता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो और हमें ये भी पता है कि ई क्या होता है, माइनस ऑफ डेल बी, जिसको याद रखना है माइनस ऑफ कर लिए बाय कर ली डी। तो इस ई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल डॉट माइनस ऑफ डेल बी माइनस ऑफ कर लिए बाय कर ली डी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को ध्यान से देखो, और क्या और कितना सॉल्व हो सकता है, ये बनेगा हमारे हमारे पास डेल स्केयर वी प्लस माइनस, मैं दोनों को कॉमन लेके राइट साइड में लेके जा रहा हूं क्योंकि तो यहां डॉट है, तो ये बनेगा कर्ली बाय कर्ली टी डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन रो। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी उससे पहले इक्वेशन थी। इसमें अगर हमें ए और वी दिया हो तो हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें ए और वी दिया हो तो हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ए और वी दिया हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, अगर हमें ए दिया हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, विच इज बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन जो याद रखनी है हमने, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो ये बनेगा हमारे पास डेल स्केयर वी प्लस कर्ली बाय कर्ली टी डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई, ए और बी दिया हो, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड भी पता लग गई, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि आपके पास एक पोटेंशियल दिया है और एक वेक्टर पोटेंशियल दिया है, एक स्केलर पोटेंशियल। तो ये एग्जांपल मान लो, इसको मान लो कि वी हमें जीरो दिया है, ए हमें दिया है माइनस ऑफ क्यू टी बाई फोर पाई एप्साइन नोट आर स्केयर आर कैप। ये स्केलर पोटेंशियल है, ये वेक्टर पोटेंशियल है। अब हमें पूछ लिया फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमें पूछ लिया चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू क्या होगी, हमें ई भी बताना है, बी भी बताना है, रो भी बताना है, जे भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फील्ड देखते हैं, फील्ड क्या होगी। फील्ड में अगर मैं सबसे पहले देखूं ई, फील्ड इसके लिए, इस पोटेंशियल्स के लिए हमें पता है माइनस ऑफ डेल वी होता है, माइनस ऑफ कर लिए बाय कर लिए टी होता है। V जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पे माइनस ऑफ कर लिए बाय कर लिए टी लगाओगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, E का ये लगाओगे तो ये बनेगा Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड यहाँ पे आर क्या। ये आपके पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अगर इसका मैं डेल क्रॉस ए करूँ, मतलब क्या है इसका डेल क्रॉस, कॉन्स्टेंट कितनी टर्म्स हैं, क्यू टी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैं कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लिख रहा हूँ, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या हमारे पास डेल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। अब आपको खुद से ये फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर होता है जीरो, तो ये आंसर आएगा जीरो। अब हमारा जो दूसरा काम है वो ये है कि हमें रो बताना है, हमें जे बताना है। तो क्या ये आसान काम है, क्योंकि रो और जे बताने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले होने चाहिए, तभी बता सकते हो। लेकिन आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको बहुत लेंथी फॉर्मूला याद रखना पड़ जाएगा, या फिर तभी आ सकता है कि अगर
आप इसे जल्दी से निकाल लो, और ये तभी आप कर सकते हो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? तो फाइंड आउट आप जल्दी से कर सकते हो। अब हमें रो निकालना है और जे निकालना है। अगर मैं सिंपल, सिर्फ एक सिंपल सेंस लगानी है हमने फिजिक्स की, कि ये पोटेंशियल्स ये थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होती है? एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पड़ा है और इस एट ए डिस्टेंस आर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे हमें फील्ड बतानी है कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए, तो फील्ड यही होगी। अगर वो फील्ड यही होगी, इसका मतलब हमारी फील्ड कौन सी है? कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां से उसकी वैल्यू यही होती है, एट पॉइंट पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से क्लियर क्या हुआ? अगर इन पोटेंशियल्स की जगह हमें कोई और पोटेंशियल दिया होता, कौन सा पोटेंशियल दिया होता, इसकी जगह बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हमें ए जीरो दिया होता, तब भी हमारा जो आंसर है यहां पे ये आना था और ये आना था, तब भी हमारा आंसर यही आना था। तो इन्होंने फील्ड को इसी हिसाब से चेंज किया यहाँ पे कि हम थोड़े कंफ्यूज हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन डालने की कोशिश की, ठीक है? लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो हमें पता लग गया पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन्हीं फील्ड्स को इन्होंने मॉडुलेट कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो पोटेंशियल इसका पॉइंट चार्ज का ये होता है, ठीक है? अब चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम हमें पता चल चुका है कि पॉइंट चार्ज के लिए है, तो चार्ज डेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, उसको हम लिखते हैं क्यू टाइम्स, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बतानी है लेकिन है तो पॉइंट चार्ज ही, तो इसके लिए क्या होता है, क्यू टाइम्स डेल्टा ऑफ आर, डेल्टा क्यूब ऑफ आर इन थ्री डायमेंशंस। तो आर इक्वल टू जीरो पे, ये क्या बता रहा है, आर इक्वल टू जीरो पे सारा का सारा क्यू चार्ज पड़ा है, तो यही पॉसिबल है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आर इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। तो ये आ गई हमारी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। दूसरी चीज, हमें करंट डेंसिटी पूछी है, क्या ये चार्ज मूव कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये चार्ज एट रेस्ट के हिसाब से हमारी वैल्यू आती है, तो हमारा जो करंट डेंसिटी है वो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा, करंट डेंसिटी कहाँ से आई, करंट कहाँ से आएगा? तो सीधा इसका आंसर हम बता सकते थे फिजिकली सोच के, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल्स को चेंज किया ताकि आप इसका फिजिकल मीनिंग ना जान सको, अगर आपके दिमाग में एकदम से आ गया तो आप 2 मिनट में चार डेंसिटीज बता सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस, गेज ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है, इसे लिखा ही रहने देंगे, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेज ट्रांसफॉर्मेशंस। गेज ट्रांसफॉर्मेशंस है क्या, कि हमें पोटेंशियल्स को इस हिसाब से चेंज करना है कि हमारी फील्ड सेम रहे, ठीक है ना? अमेजिंग चीज, पोटेंशियल्स को चेंज करना है लेकिन हमारी फील्ड सेम रहे। लेकिन पोटेंशियल को चेंज जब करोगे, तो अगर ए को चेंज किया तो आपको वी को भी चेंज करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ताकि हमारी फील्ड सेम रहे। तो पहली चीज ये याद रखना, तो ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? और फील्ड कौन सी, जैसे आप मान लो कि ए वेक्टर को मैंने चेंज कर दिया, ए वेक्टर डैश में, और उसको मैंने लिख दिया ए वेक्टर प्लस अल्फा, ऐसे ही, ठीक है? ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूँ, ए वेक्टर को मैंने चेंज कर दिया ए वेक्टर डैश को ए वेक्टर प्लस अल्फा, ठीक है? ऐसे ही वी डैश को मैंने लिख दिया, इक्वल लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पोटेंशियल को चेंज कर दिया, वी प्लस बीटा। अब मैंने इसमें वेक्टर पोटेंशियल ऐड किया है, इसमें स्केलर पोटेंशियल ऐड किया है, तो मैंने इनमें एडिशंस कर दिया, मेरे पोटेंशियल्स चेंज हो गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फील्ड से सेम रहे पोटेंशियल्स चेंज करने के बाद भी। ये पॉइंट को याद रखना। तो फील्ड कैसे सेम रहेगी, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, डेल क्रॉस जो हम लगाते हैं, हमें पता है कि बी होता है डेल क्रॉस ए। यहां तक तो ठीक है,
लेकिन जब मैं बी लिखूंगा डेल क्रॉस ए डैश, तो यहाँ पे बी डैश आना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड हमारी सेम रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेम कैसे रहेगी, इस इक्वेशन के हिसाब से सोचना है। बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डैश, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डैश की वैल्यू क्या है, ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस अल्फा, ये हमारी बी की वैल्यू है। अब ये जो मेरी चीज है ये वाली, क्योंकि मैंने पोटेंशियल को चेंज किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फील्ड सेम रहनी चाहिए। अब यहां भी बी डैश लगा दो, चाहे अभी के लिए, यहां अभी के लिए बी डैश लगा दो। अब ये बी डैश मेरा बी के बराबर होना चाहिए, बी डैश मेरा बी के बराबर होना चाहिए पोटेंशियल को चेंज करने के बाद भी। वो तभी पॉसिबल है अगर मेरी ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो डेल क्रॉस अल्फा अगर मेरा जीरो होता है तब मैं बोल सकता हूं कि ठीक है, ये वाली चीज मेरी बी डैश भी इसके बराबर आएगी, बी डैश भी मेरी डेल क्रॉस ए के बराबर आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से देख के, ये बी के बराबर है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है डेल क्रॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अब किसी का, जैसे मैंने बोला था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो, तो ई को लिखा था माइनस ऑफ डेल वी, याद है। इसी हिसाब से डेल क्रॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो से मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने लिखा था ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो के लिए मैंने लिखा था ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये था ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, चाहे मैंने यहाँ माइनस नहीं डाला, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर ही अपने आप में आंसर बता रहा है, ठीक है। तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, लैम्डा इज अ स्केलर फंक्शन। इतनी बात हो गई। उसके बाद इसको अभी याद रखना है आपको, इस पॉइंट को अल्फा को ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास माइनस ऑफ डेल वी माइनस ऑफ कर्ली ए बाय कर्ली टी। अब मैंने बोला यही चीजें यूज करनी है, मैंने ए को ए प्लस अल्फा लिखना है, ए डैश को बी डैश को बी प्लस बीटा लिखना है। तो यहां लिखता हूं, अब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डैश हो जाएगी अगर मैं यहां पे क्या डालता हूं, डेल ऑफ वी डैश माइनस ऑफ कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ ए डैश। वी डैश की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस ऑफ डेल, तो वी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी प्लस बीटा, ठीक है। और कर्ली बाय कर्ली टी ए डैश की वैल्यू है ए प्लस अल्फा। यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ डेल वी मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस ऑफ कर्ली ए बाय कर्ली टी मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास, माइनस ऑफ ये बीटा वाली टर्म बच गई और अल्फा वाली, तो माइनस बाहर, डेल ऑफ बीटा प्लस कर्ली अल्फा, कर्ली अल्फा बाय कर्ली टी, ये टर्म मेरे पास बच गई, ये है ई डैश। अब मेरी जो फील्ड है ई डैश, वो मेरी फील्ड ई के बराबर रहनी चाहिए, यही मैंने गेज ट्रांसफॉर्मेशन में स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी थी। तो इसलिए ई ई डैश के बराबर तभी रहेगी अगर ये जो टर्म है मेरी क्या हो जाए, जीरो। डेल ऑफ बीटा प्लस कर्ली अल्फा बाय कर्ली टी शुड बी इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो होता है तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा को, मैं लिख सकता हूं यहां से डेल ऑफ लैम्डा, तो यहां पे लिखता हूं डेल ऑफ बीटा प्लस कर्ली बाय कर्ली टी, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास डेल ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहां से, यहां से डेल हमारा कॉमन आ गया, तो बचेगा बीटा प्लस कर्ली लैम्डा बाय कर्ली टी इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास एक बनेगा। अब ये जो मेरा डेल है ये एक्चुअल में है क्या, कर्ली बाय कर्ली आर टाइप, ठीक है, सम कोऑर्डिनेट कर्ली बाय कर्ली आर, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूं विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आएगा, सम कांस्टेंट, क्योंकि यहां जीरो है तो इक्वल टू में मेरा कुछ कांस्टेंट आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से
इस पॉइंट पे याद रखना अल्फा को क्या लिखा है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, अल्फा को डेल ऑफ लैम्डा। यहां से मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस कर्ली लैम्डा बाय कर्ली टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ के, विच इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब आप सोचोगे ये कॉन्स्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आना था वो आर की वजह से आना था, तो इसका मतलब ये जो मेरा डेल है ये आर का फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसके हिसाब से टी का फंक्शन क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसके हिसाब से डेल के हिसाब से, तो कॉन्स्टेंट टी का फंक्शन हो सकता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ लैम्डा प्लस के ऑफ टी। तो अब दूसरी चीज जो थोड़ी सी टेक्निक लगानी है वो क्या है, मैं लैम्डा को, ये मेरा ओल्ड लैम्डा था, अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये न्यू लैम्डा है, मैं लिख सकता हूं ओल्ड वन प्लस इंटीग्रल ऑफ के ऑफ टी डैश डी टी डैश, जैसे जीरो से टी चला लो कुछ भी ऐसा। अगर मैं इस लैम्डा को, इस ओल्ड वाले लैम्डा को, ये ओल्ड वाला था, इसको मैं न्यू वाले लैम्डा में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सोचो लैम्डा की वैल्यू को मैं अगर ये पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो लेकिन ग्रिफिथ में ऐसी ही नोटेशन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, ठीक है। तो सिर्फ एक लैम्डा को मैंने इस टर्म में लिख दिया, सम कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया ऐसे बोल सकते हो, जो कॉन्स्टेंट ये था इसमें, इसमें रख दिया इसको। अब खुद ध्यान से सोचने वाली बात क्या है, जब मैं इस लैम्डा में ये पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा इस लैम्डा में, ठीक है, और इसे हटा देता हूँ, तो मेरे पास एक्चुअल में अगर मैं कर्ली बाय कर्ली टी करूँ और अब ये वाला लैम्डा यूज करूँ, तो ये वाला लैम्डा क्या है, ये वाला विच इज लैम्डा प्लस के ऑफ टी डैश इंटीग्रल में डी टी डैश, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो ध्यान से देखो इस चीज का डेरिवेटिव करूंगा तो बनेगा कर्ली लैम्डा का कर्ली टी प्लस इंटीग्रेशन और ये डेरिवेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल के ऑफ टी ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है सिंपल के ऑफ टी आएगा, तो ये दोबारा से बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है न्यू लैम्डा इसके बराबर। तो अगर इसके बराबर है तो मैं बीटा को लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली लैम्डा बाय कर्ली टी, बीटा आ गया यहां से, अल्फा आ गया यहां से डेल ऑफ लैम्डा। तो बीटा और अल्फा निकालना ही हमारा मेन काम था, अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वी डैश में, तो वी डैश हमारी क्या थी, वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस यहां पे था हमारे पास बीटा, तो बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा वी माइनस कर्ली लैम्डा बाय कर्ली टी, तो ये वी डैश की वैल्यू आ गई। ऐसे ही वी डैश के बाद ए डैश की वैल्यू आएगी, ए प्लस क्या था अल्फा, तो बनेगा ए प्लस अल्फा है हमारा डेल लैम्डा। तो दीज आर द गेज ट्रांसफॉर्मेशंस, पोटेंशियल्स की गेज ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास कूलम गेज, लोरेंस गेज, ठीक है, गेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद। वैसे कई तरह के गेज होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे बुक के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ दो ही हैं, कूलम गेज एंड लोरेंस गेज। तो सबसे पहले हम कूलम गेज करते हैं, कूलम गेज, ठीक है, ये मोस्ट फेमस वन है कूलम एंड लोरेंस गेज। कूलम गेज में आपको याद रखना है कि डेल डॉट ए को हम क्या लेके चलते हैं, कंडीशन है डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं हम कूलम गेज में। तो जब ये डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो में इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इसको जब मैं इक्वेशन टू में पुट करूंगा तो ये बनेगी डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन। तो क्या ये हमें इक्वेशन देखने में समझ आ रही है कौन सी है, दिस इज द पॉइज़न इक्वेशन। तो पॉइज़न इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही आसान होता है, विच इज वी इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रो ऑफ आर डैश कोमा टी डी टाउ डैश डिवाइड बाय आर, इसका सॉल्यूशन होता है। तो कूलम गेज में आप बोल सकते हो कि स्केलर पोटेंशियल निकालना बहुत ईजी है, आप ये इजिली बोल सकते हो यहाँ से देख, ठीक है।
फिर हम कूलम की इसको इक्वेशन वन में लगा के देखते हैं। तो जब इक्वेशन वन में लगाएंगे इसको, तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ए बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस ऑफ डेल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली वी बाय कर्ली टी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ म्यू नॉट डेल राइट साइड में। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे, और इस इक्वेशन से हमें सोल्व करके निकालना क्या है, क्योंकि हमने वी तो निकाल लिया इजिली, तो हम वी तो इसमें पुट कर सकते हैं इजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी यहाँ से ए की वैल्यूज, अगर हमें ए पता है, मान लो कि ए हमें पता है, यहाँ पुट कर दिया, तो हमें जे निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ये। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमें वी और जे पता है, ए निकालना है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप बोल सकते हो कि कूलम गेज में स्केलर पोटेंशियल निकालना बहुत सिंपल है, इजी है, और वेक्टर पोटेंशियल निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये कूलम गेज था। फिर आता है हमारे पास लोरेंस गेज, दूसरा है लोरेंस गेज। लोरेंस गेज में जो आपको याद रखना है, एक कंडीशन दोबारा से यहां से बनी, वो कंडीशन डेल डॉट ए से, इस पूरी इक्वेशन से, तो ये बनेगा, इसकी कंडीशन है डेल डॉट ए इज इक्वल टू, इसको मेरे को जीरो करना है, ये तभी पॉसिबल अगर मैं इसको डेल डॉट ए को ये लिखूंगा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली वी बाय कर्ली टी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करता हूँ, तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना, इसकी कंडीशन है ये लोरेंस गेज की। तो इस कंडीशन को सबसे पहले मैं इक्वेशन वन में ही पुट करके देखता हूँ, तो जो इक्वेशन वन बनेगी वो बनेगी डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ए बाय कर्ली टी स्क्वायर, ये हमारा जीरो हो जाएगा इस कंडीशन के थ्रू, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ म्यू नॉट जे, तो ये एक इक्वेशन आएगी। फिर क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, डेल डॉट ए को यहाँ पुट करके देखते हैं इक्वेशन टू में, तो बनेगा डेल स्क्वायर वी प्लस कर्ली बाय कर्ली टी, डेल डॉट ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ये है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली वी बाय कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, जे निकालने के लिए और रो निकालने के लिए फॉर द केस ऑफ लोरेंस गेज। चेक करने वाली बात क्या है, यहां पे देखने वाली बात है, यहां पे जो ऑपरेटर लग रहा है और यहां पे ऑपरेटर लग रहा है वो सेम है, यहां पे जो ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं इन दोनों की। और सेम कैसा, कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर को मैं नाम दे सकता हूं, ऑपरेटर कौन सा है, पहली बार डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली टी स्क्वायर, दिस इज द ऑपरेटर। यही ऑपरेटर ए पे लगा है, यही ऑपरेटर वी पे लगा है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर सेम है दोनों का, तो मैं बोल सकता हूँ कि लोरेंस गेज ट्रीट करता है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को ऑन इक्वल फुटिंग, ठीक है। यहाँ से इस चीज को देख के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम ऑपरेटर यहाँ लगा है, सेम ऑपरेटर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को कभी कभी हम ऐसे नाम भी दे देते हैं, बॉक्स टाइप। इसका जो नाम होता है इस ऑपरेटर का, वो होता है डी एलम बर्शियन ऑपरेटर, डी एलम बर्शियन ऑपरेटर, ठीक है, बॉक्स स्क्वायर है टाइप, जैसे बॉक्स बनाया ये, तो इसका नाम है डी एलम बर्शियन ऑपरेटर। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट करके सिंपल वे में लिख सकता हूँ कि बॉक्स इसका जब स्क्वायर किया, ठीक है, ये ऑपरेटर है, इंटू ए ये हमें दे रहा है माइनस ऑफ म्यू नॉट जे। ऐसे ही इसी ऑपरेटर का स्क्वायर जो ये बना रहा है, इस पर जब मैंने वी पे लगाया इसको,
तो हमें दे रहा है माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट था वो सिंपल यही था कि लोरेंट्ज़ केस हमें ए वेक्टर को और वी स्केलर पोटेंशियल को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करता है। ठीक है, तो अभी इन क्वेश्चंस का काम हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिएशन। जो नेक्स्ट है हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन कैसे होती है? कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए तो रेडिएशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रो रेडिएशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, रेडिएशन में तो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए। ठीक है, उसके अलावा रेडिएशन की पावर, ठीक है, जो रेडिएशन एमिट होती है किसी चार्ज पार्टिकल से, ठीक है, एक्सेलरेट होने के बाद चार्ज पार्टिकल के रेडिएशन आती है, वो रेडिएशन इन्फिनाइट तक जाती है। इन्फिनाइट तक मतलब चलती ही जाएगी, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। पावर ऑफ द रेडिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑसिलेट कर रहा हो उसकी वजह से रेडिएशन हो, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल ऑसिलेट कर रहा हो उसकी वजह से रेडिएशन हो, चाहे कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए उसकी वजह से रेडिएशन हो, जो उसकी वजह से पावर ऑफ रेडिएशन आएगी इन तीनों की वजह से वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगी। पहले तो बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, वो हम अब निकालेंगे भी वैल्यूज। दूसरी चीज, अगर मैंने बोला कि पावर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर होनी चाहिए पावर ऑफ रेडिएशन, तो यहां से मैं एक चीज फाइंड आउट इजीली कर सकता हूँ। पावर होता क्या है? पावर ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, पावर होता क्या है? इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए। अब सिर्फ टेक्निक्स लगानी है, हम डिराइव नहीं करेंगे बहुत कुछ, क्योंकि डिराइव करने का फायदा नहीं होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी। इसके जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, एरिया, क्योंकि ये एरिया बता रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है हमें आर स्क्वायर की, जैसे 4πr² किसी स्फेयर के केस में। ठीक है, ये हमें आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है। और हमने बोला है कि पावर इन्फिनिटी तक जाएगी ऑफ रेडिएशन और इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो सकता है अगर हमारा एवरेज ऑफ एस आर पे कैसे डिपेंड करे? 1πr², एवरेज ऑफ एस 1πr² के हिसाब से चले और ये हमारा आर स्क्वायर के हिसाब से चले, ये चीज तभी पॉसिबल है। ठीक है, तभी ये कैंसिल होंगे और ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एवरेज ऑफ एस, लेकिन या फिर एस, क्योंकि मैं सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं 1μ0 E क्रॉस B। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी 1r की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी 1r की होनी चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1r² की प्रोपोर्शनैलिटी एस को देंगे। ठीक है, तो रेडिएशन के केस में अब आपको ये भी याद रखना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डिपेंडेंस है डिस्टेंस के साथ वो 1r की होगी। जैसे पॉइंट चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे हो तो वो कैसे होता है? 1r², मैग्नेटिक फील्ड 1r², ऐसे डिके कर जाती है। लेकिन रेडिएशन के केस में क्या याद रखना है? 1r इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तभी हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा पावर। तो ये दो पॉइंट्स याद रखो, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी पता लग गई। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1r, मैग्नेटिक फील्ड 1r इन केस ऑफ रेडिएशन। दूसरी चीज, अगर मैं आपको अब एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो एक जनरल फॉर्मूला है, सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ध्यान में रखते हैं। अब फॉर्मूला कैसे है? पावर को मैं लिख सकता हूं, पावर रेडिएशन को μ0/6πc, ठीक है, ऐसे याद रखना है μ0/6πc इंटू पी डबल डॉट, ये मैं बताता हूँ क्या है, का स्केयर की एवरेज, स्केयर करने के बाद उसकी एवरेज। ये एक जनरल फॉर्मूला है, हमारे तीन क्वेश्चंस हो जाएंगे आप ऐसा बोल सकते हो इससे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना ही चाहिए।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन की। ये फॉर्मूले को याद रखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो रेडिएशन होगी, उसके लिए जो मैं पी ले सकता हूँ, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पी नोट कोज ऑफ ओमेगा टी। तो इसका मतलब है मेरे डाइपोल ऐसे कोज फंक्शन, कोज का फंक्शन है, ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इस चीज को आपको यहां पुट करना है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट ये टाइम का फंक्शन होगा। आपको क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो पी डॉट। एक बार डेरिवेटिव करने पे बनेगा माइनस ऑफ पी नोट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव है, तो बनेगा माइनस ऑफ पी नोड ओमेगा स्क्वायर कोज ऑफ ओमेगा टी। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर रेडिएशन किसके किसके लिए आएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो बनेगा म्यू नोट बाई सिक्स बाई सी, म्यू नोट बाय 6 पाई सी। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, स्केयर फिर एवरेज, तो एवरेज के अंदर स्केयर रखना है, तो इसका स्केयर कर दो, बनेगा पी नोट स्केयर ओमेगा की पावर 4। इसमें पुट कर रहा हूँ बस को स्केयर ओमेगा टी का एवरेज, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दो, ये बनेगा म्यू नोट बाई 6 पाई सी, पी नोट स्केयर ओमेगा की पावर 4, एवरेज ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी अंदर रह जाएगा। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, हाफ। कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, हाफ। जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल दिए, तो यहां से हमारा आंसर आएगा म्यू नोट बाई 12 पाई सी, पी नोट स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और ये आएगी पावर रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका आंसर होगा सीधा सीधा, ठीक है? बहुत ईजी था। अब इसको हम यहीं लिखा रहने देंगे, ये थोड़ा काम भी आएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, ठीक है? अब यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, पहले तो कुछ फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि हम डेरिवेशन से नहीं कर रहे, वो बहुत लेंथी डेरिवेशन है। फैक्टर्स क्या क्या निकाल सकता हूँ यहां से, अगर मैं ध्यान से सोचूं, मेरे को पता है कि पावर, क्योंकि ये तो पावर रेडिएशन मैंने निकाल ली, और पावर रेडिएशन होती क्या थी, एस डॉट डी ए, पावर रेडिएशन ये भी होती है। इसका मतलब अब ये जो डीए है वो तो इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली निकालने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं एवरेज ऑफ पॉइंटिंग फैक्टर की प्रोपोर्शनैलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पॉइंटिंग फैक्टर कैसे प्रोपोर्शनल है, किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वो निकालने के लिए मैं सिर्फ इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे को पता है कि ये हमें प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर दे रहा है, और ये हमें प्रोपोर्शनल टू 1/r² दे रहा है। प्रोपोर्शनैलिटीज देख रहा हूँ सिर्फ मैं। तो पी की ए जो डीए है वो तो इनमें से हमें कुछ भी नहीं दे रहा, जो डीए है वो इनमें से हमें कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है? इन पर्टिकुलर वैल्यू से, ये पर्टिकुलर वैल्यू से, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे एवरेज ऑफ एस है वो और किस किस के प्रोपोर्शनल है, पी नोट स्केयर के प्रोपोर्शनल है, ओमेगा की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, बाई सी के प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को प्रोपोर्शनैलिटीज देखनी थी, मैंने देख ली। दूसरी चीज, एस किसके और प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, प्रोपोर्शनैलिटी इसकी भी आ गई। तो प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी अब आपको डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन एक चीज आपको साथ में ऐड अप करनी है, साइन स्केयर थीटा। ये आपको खुद से याद रखना है कि ये साइन स्केयर थीटा पे भी डिपेंड करता है, और ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, थीटा हमारा जो एंगल है वो किसके बीच में है, वो हमारा किसी पॉइंट का, जैसे चार्ज पार्टिकल की मान लो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और हम देख रहे हैं कोई पॉइंट पी इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो आर कैप मेरा इस डायरेक्शन में होगा, तो ई और आर कैप जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, देख हम यहाँ पे रहे हैं उसकी मतलब कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, तो ये जो एंगल होगा आर कैप वर्सेस
आर कैप और एक्सेलरेशन में जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, आर कैप और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटीज याद रख लोगे, आई होप इजी लगेगा आप। ठीक है, इंक डाल लेते हैं। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, अब आता है हमारे पास दूसरा नाम, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। ठीक है, जो दूसरा नाम है वो है मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन के आंसर को याद रखना है। ठीक है, सिंपल। इसके लिए तो सबसे पहले यहां पे आपको ये याद रखना है कि यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म लिखेंगे एम, तो इसको लिख सकता हूं मैं एम नोड कोज ऑफ ओमेगा टी। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन के आंसर को याद रखना है, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था पावर रेडिएशन इज इक्वल टू म्यू नोड बाय 12 पाई सी पी नोड स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। यही था इसका आंसर, हाफ उसकी वजह से आया था, कोस स्क्वायर की वजह से, म्यू नोड बाय 6 पाई सी हम लगाते थे और पी नोड उसकी वजह से आया था। ठीक है, ये था आंसर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन में। तो यहीं से आपने मैग्नेटिक डाइपोल का आंसर याद रखना है। कैसे? सिंपल, पी नोड को आपको पुट करना है एम नोड बाय सी, पी नोड को आपको पुट करना है एम नोड बाय सी, तो आपका आंसर मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के लिए आ जाएगा। जो पावर रेडिएशन होगी, पी नोड को एम नोड बाय सी पुट करो यहाँ पे, तो बनेगा म्यू नोड एम नोड स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 डिवाइड बाय 12 पाई सी क्यूब। ठीक है, पी नोड को हमने सिंपल एम नोड बाय सी पुट किया, ये पावर रेडिएशन आ गया। ऐसे ही एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की प्रोपोर्शनैलिटीज जो हमने पीछे निकाली थी वो सेम रहेंगी। कौन कौन सी प्रोपोर्शनैलिटीज निकाली थी हमने इसके लिए? प्रोपोर्शनल टू एम नोड स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 सी क्यूब, ये तो हमने यहीं से देख लिया। आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है हमें पता ही है। दूसरा हमने ऐड किया था साइन स्क्वायर थीटा, बस प्रोपोर्शनैलिटीज याद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉइंट चार्ज रेडिएशन, पॉइंट चार्ज। इसी पॉइंट चार्ज की वजह से रेडिएशन, कोई पॉइंट चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या फिर जैसे ऑसिलेट कर रहा है, उसकी वजह से रेडिएशन आ सकती है। तो अगर मैं बोलूँ ऑसिलेट कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसका मतलब पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस विद टाइम चेंज हो रहा है, पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस विद टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट चार्ज को मैं एक डाइपोल की तरह मान सकता हूँ फिर, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उस पॉइंट चार्ज का विद टाइम, वो होगा क्यू, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, इंटू डी टाइम्स डी, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यू इंटू डी हमारा होता ही है, ठीक है, डाइपोल, लेकिन डी हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट चार्ज के लिए पी की वैल्यू होगी। ये पॉइंट याद रखो, पॉइंट चार्ज के लिए डाइपोल की वैल्यू, हाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। दूसरी चीज, फॉर्मूला क्या था पावर रेडिएशन का, क्योंकि अब हमें पावर रेडिएशन पॉइंट चार्ज के लिए चाहिए। फॉर्मूला था म्यू नोट बाई 6 पाई सी पी डबल डॉट, विच इज द फंक्शन ऑफ टी का स्केयर, एंड देन बाहर, स्केयर के बाद बाहर एवरेज, यहां पे ये लगाना है। तो मैं लिख सकता हूं, ये चल रहा है, बार बार देखना पड़ता है, ये ना हो मैं बोलता ही जाऊं और पता चले वो बंद हुआ पड़ा है। तो इसका अगर मैं दो बार डेरिवेटिव करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, एक बार डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले P, एक बार डेरिवेटिव किया तो बनेगा Q, वेलोसिटी बन जाएगी क्योंकि यही टाइम का फंक्शन है, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डेरिवेटिव किया है डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा क्यू इंटू वी। ऐसे ही इसको मेरे को दो बार डेरिवेटिव करना था तो ये बनेगा क्यू इंटू वी डॉट। वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन। इसको यहां पुट करते हैं तो पावर रेडिएशन आएगी हमारे पास म्यू नॉट बाय 6 पाई सी पी डबल डॉट का स्केयर फिर एवरेज। तो इसका स्केयर करना है, ठीक है, स्केयर कर दिया, अब एवरेज करना है। तो इसका एवरेज तो यही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यू नॉट क्यू स्केयर ए स्केयर बाय 6 पाई सी। तो रेडिएशन फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो रेडिएशन होगी वो इसके प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटीज देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको पूरा याद होना चाहिए, कैसे सोल्व करना है वो याद होना चाहिए। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले को बोलते हैं लार्मर फॉर्मूला, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है पी रेडिएशन का, पी रेडिएशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल विच इज म्यू नोट क्यू स्केयर ए स्केयर बाय 6 पाई सी, इसे बोलते हैं लार्मर फॉर्मूला। ये लार्मर फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर वेलोसिटी मेरे लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से हो। वेलोसिटी शुड बी लेस देन, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ये मेरा फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। जब मेरे चार्ज पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमें क्या आता है, तो उसी हिसाब से आपने आंसर को करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर वी इज लेस देन सी होगा, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर आज का एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पर, इसमें हमें बोला गया है कि माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज के अराउंड, ठीक है, ऑर्बिट कर रहे हैं। तो मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड माइनस का क्यू चार्ज ऑर्बिट कर रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में है। तो और इसका जो रेडियस है, तो यहाँ पे मैं अब प्लस क्यू हटा रहा हूँ, इसका जो रेडियस है वो कितना है ए। तो ये इसका रेडियस है ए, और माइनस क्यू चार्ज ऑर्बिट कर रहा है प्लस क्यू चार्ज के अराउंड। अब मैं मान के चलता हूँ कि जो ये मेरा बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है, जो मेरा बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है और इधर की ओर एक्स एक्सिस है, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। पहली चीज उसने बोली है जीरो जीरो आर डिस्टेंस पे, जीरो जीरो आर डिस्टेंस पे हमारी जो इंटेंसिटी है वो है आई वन। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड एक्सिस कहाँ होगी, ये जेड एक्सिस होगी बाहर की ओर, और पॉइंट कौन सा है जीरो जीरो आर पॉइंट है। तो जीरो जीरो आर पॉइंट कहाँ होगा इसके हिसाब से, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इसके यहाँ पे जीरो जीरो आर जेड एक्सिस पे, यहाँ हवा में कोई पॉइंट होगा जिसे हमने जीरो जीरो आर पॉइंट बोला है। इस पॉइंट पे कुछ इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, ठीक है। तो इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस यहाँ पे पॉइंट है वो जीरो जीरो आर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले इंटेंसिटी को हम लिखते क्या है एवरेज ऑफ एस इंटेंसिटी को, और हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो रेडिएशन इसकी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इसकी प्रोपोर्शनल होती है हमें क्या क्या चाहिए एक्चुअल में, ओमेगा की पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और एक्चुअल में हमें ओमेगा की पावर 4 भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें रेशियो पूछा है, ठीक है। तो रेशियो में ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इतने की जरूरत है साइन स्क्वायर थीटा बाय आर स्क्वायर। ये होती है हमारी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल, हमारा पॉइंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं एक और पेन लेता हूँ इसको बताने के लिए। मान लो कि मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, और मेरा पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट पी। तो चार्ज पार्टिकल का जो यहाँ से ये पॉइंट मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जीरो जीरो आर पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया,
अब चार्ज पार्टिकल इस बोर्ड पे सर्कल लगा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब भी सर्कुलर सर्कल होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, तो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होता है, चाहे वो यहाँ पे हो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, चाहे यहाँ पे हो इंस्टेंटेनियस टाइम पे एक्सेलरेशन अंदर की होगा टूवर्ड्स द सेंटर। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो मेरा एक्सेलरेशन वैक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की ओर होता है। उसके बाद इस पॉइंट पी पे देख रहे हैं हम, जहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ देख रहे हैं, और ये लाइन कुछ ऐसे बन रही है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 r डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, एक तो इन्होंने बोला है कि आर इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस, दिस इज अ रेडियस, ये हमारा एक्सेलरेशन है लेकिन ये रेडियस है, ठीक है, ए रेडियस है, ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, हमने बोला था जो थीटा है वो एंगल किस किस में है, जो थीटा एंगल है वो है हमारा एंगल आर कैप में एंड एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है ये वाली माइनस जे एक्सिस इस पॉइंट पे, और आर कैप हमारा इसकी डायरेक्शन में है, क्योंकि पार्टिकल हमारा माइनस को अभी एक इंस्टेंट पे यहाँ पे है, ठीक है। तो आर कैप ये हो गया, तो मेरा एंगल क्या होगा, मेरा एंगल जो थीटा है वो होगा ये ए के साथ ये जो एंगल बन रहा है ऐसा कुछ ऐसा एंगल, ठीक है। तो मैं 3D में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला एंगल। तो अब उसमें दिखेगा ये नहीं, लेकिन इसे सोचने की कोशिश करो, ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ये एंगल थीटा है एक्सेलरेशन का, इस आर कैप के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो पहले तो बात ये याद रखनी है। अब जो दूसरा पॉइंट था कि आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये जो मैंने इतना बड़ा स्फेयर बना दिया बहुत ही छोटा सा स्फेयर है, या फिर आप ऐसे मान लो ये बड़ा सा स्फेयर है और जो डिस्टेंस है आर का वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अगर मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से देखूंगा तो मेरे को ये जो बड़ा स्फेयर मैंने यहाँ बनाया है मेरे को एकदम छोटा सा लगेगा। तो अगर ये मेरे को बहुत छोटा सा लगेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन मेरी टिल्टेड थी जब मैं इसके पास था, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा ये मेरी लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत दूर, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन दिस ए दिस रेडियस, ठीक है। तो मेरे को इन दो लाइंस को मीट करने के लिए एक्चुअल में इसे टिल्ट नहीं करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में पैरेलली मीट कर जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे टू पैरेलल लाइंस कैन मीट, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा है, तो जब ये दोनों पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं तो एक्सेलरेशन का इस आर कैप के साथ जो डायरेक्ट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बस यहाँ पे यही एक पॉइंट है, क्योंकि एक स्फेयर मेरे को बहुत छोटा सा दिख रहा है, अगर एक स्फेयर बहुत ही छोटा सा है यहाँ से बहुत दूर देखोगे तो ये डिस्टेंस और सेंटर से ये डिस्टेंस इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, इतने में इतना सा जो डिस्टेंस है, अगर इन्फिनिटी से देखोगे तो डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल लगेगा, तो ऐसे लगेगा कि दो पैरेलल लाइंस ही आ रही हैं, ठीक है, और आपस में इन्फिनिटी पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, तो एंगल है 90 डिग्री, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल निकल गया। और हम ये इंटेंसिटी I1 की बात कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो मेरी आएगी साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाय, क्योंकि मैं 0 0 r की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने एक इंस्टेंट पे बात की, क्या हर इंस्टेंट पे 90 डिग्री रहेगा, एक्चुअली यस। आप अगर यहाँ से भी देखोगे इस पॉइंट से भी, और यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन का जो डिस्टेंस होगा, एक्सेलरेशन आपकी इस तरफ होगी, ठीक है, और 0 0 r पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल स्फेयर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखेंगी, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे ही दिखेगी। तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा एक्सेलरेशन का और ये आर कैप का, क्योंकि माइनस क्यू से देखना है, ये आर कैप का वो फिर से 90 डिग्री होगा, तो हर पॉइंट पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो एक चीज आ गई I1, दूसरा उसने बोला है हमें 2 r 0 0, तो 2 r 0 0 कहीं यहां पे होगा, 2 r
जीरो जीरो। यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेता हूँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये कुछ आर कैप की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, चार्ज पार्टिकल से देखना है आर कैप की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, ये सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी टूवर्ड्स द सेंटर, अगर ये सेंटर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन, तो इन दोनों में एंगल क्या होगा थीटा। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है, मतलब इसी बोर्ड पे ही पड़ा है, तो अब हमें इजी लगेगा सोचना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल था, अगर मेरे चार्ज पार्टिकल यहाँ होता, यहाँ पे एक्सेलरेशन होती इस तरफ, आर कैप होता इस तरफ, एक्सेलरेशन होती इस तरफ, आर कैप होता इस तरफ, दोनों में एंगल 180 डिग्री, फिर ये एंगल चेंज होता गया, फिर एक पॉइंट पे यहाँ आएगा, सिर्फ सोचना है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगी अंदर की ओर और आर कैप भी होगा इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ सेंटर की ओर, आर कैप भी इस तरफ, तो दोनों का एंगल 0 डिग्री, फिर से ये चेंज होगा यहाँ से, फिर से यहाँ आएगा, फिर से ये चलता ही रहेगा, मतलब 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 पाई, 0 पाई, 0 पाई, ऐसा चलता रहेगा, सिर्फ यही एक टाइम पीरियड टाइप आप बोल सकते हो, 0 से पाई, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे था पाई, जहाँ पे एंगल हो गए दोनों के बीच में 0, फिर से पाई, फिर से 0, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि तो इसके लिए इंटेंसिटी है आई टू, आई टू को मैं प्रोपोर्शनैलिटी लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आर की होल स्क्वायर, बट एक्चुअल में इंटेंसिटी इज एवरेज ऑफ एस, इंटेंसिटी इज एवरेज ऑफ एस, तो मैं यहाँ एवरेज डाल सकता हूँ, यहाँ एवरेज डाल देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 90 डिग्री कॉन्स्टेंट चल रहा था, यहां पे एवरेज ऑफ एस, ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई थीटा जो हमारा है वो सिर्फ 0 टू पाई एंड पाई टू 0, बस ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जब उस चीज का, जब थीटा ऐसे ही वेरी करे जिसका टाइम सेम रहे, उस चीज का जब आप एवरेज करोगे तो हमेशा क्या आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज बन जाएगी वो हमेशा हाफ आएगी। तो ये हाफ आएगी हमेशा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू हाफ और इसकी 2 आर की स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हमें आई टू बाय आई वन पूछा है, तो आई टू बाय आई वन हमारा बनेगा 1/4, सॉरी 2 टू 4 और 8, 1/8 आर स्क्वायर, और इसकी वजह से sin 90 is 1, तो इसकी वजह से बनेगा आई वन की वैल्यू 1/r स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/8, तो ये आपका आंसर होगा आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू 1/8। तो थोड़ा सा 3D में सोचना है और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो अभी हमारा मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे से होंगे जो ग्रिफिथ के बुक में नहीं है, वो अलग से होंगे, ठीक है। तो ग्रिफिथ वाला हमारा कंप्लीट है, तो असाइनमेंट्स करिए और अब टेस्ट होगा इसके बाद, ठीक है, थैंक यू।